हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम लोग जानेंगे कि फ्लोट स्विच के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये है फ्लोट स्विच। इसको हम लोग फ्लोट स्विच भी बोलते हैं, इसको वायर फ्लोट स्विच भी बोलते हैं। बहुत तरीके के स्विच फ्लोट स्विच आते हैं, उसमें से एक है ये। आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और कैसे कहाँ पे इसको यूज कर किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये वैक्यूम है, ये यहाँ पे ना ये वाटर प्रूफ वैक्यूम है। यहाँ पे एक स्विच होता है, वो स्विच में तीन कनेक्शन है। वो तीन कनेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, तीन वायर है। एक इसमें से एक एनओ है, एक एनसी है और एक कॉमन है। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन रहेगा, दूसरा रहेगा नॉर्मली क्लोज रहेगा और कॉमन रहेगा एक। तो अब इसको कैसे जानेंगे एनओ है एनसी है और की और कॉमन कौन सा है। अब देखिए ये जो आप स्विच देख रहे हैं, इसे हम लोग ऐसा डाउन की तरफ करते हैं। ये अब आप ऐसा अज्यूम कीजिए, ये मेरा डाउन है, ये मेरा ऐसा इस तरीके से रहेगा, तो ये मेरा अप है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से है तो अप और इस तरीके से है तो डाउन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको डाउन करके इस तरह रखता हूँ, इसको अटका के रखता हूँ डाउन करके। और यहाँ पे मैं एक मल्टीमीटर लूंगा, मल्टीमीटर से यहाँ पे मल्टीमीटर लेके, मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट किया है। अब कंटिन्यूटी पे सेट करके एक बार हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे, आवाज आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोई भी एक वायर मैं रेफरेंस के लिए रेफरेंस लेता हूँ, समझिए मैं ब्लैक वाला रेफरेंस ले लिया। ठीक है, देखते रहिए, अब ब्लैक का मैंने ब्लैक रेफरेंस लिया। अब मेरा ये दो वायर बचा हुआ है, ब्लैक वायर मैंने पकड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं रेड में लगाता हूँ। तो आप मीटर पे देखिए वन दिखा रहा है, वन मतलब ओवरलोड ओवर रेंज। ओके, अब मतलब कुछ भी नहीं है। अब मैं ग्रीन में लगाता हूँ, ग्रीन में लगाते ही ये जीरो आ गया और बीप देने लगा, मतलब इसमें से मेरा एक अभी एनओ पकड़ लेता हूँ मैं, एनओ यार एनसी कुछ भी एक है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरा आवाज नहीं आ रहा है। अब मैं दूसरी वायर पकड़ता हूँ, दूसरी वायर मतलब ये वाली वायर। अब ये एक वायर में अभी ये जैसे आप देखें कि इसमें मेरा आवाज आ रहा था। ठीक है, इसमें मेरा आवाज आ रहा है। अब मैं इसको ऐसा अप करता हूं, अप करने के बाद अगर रेड में मेरी आवाज आनी चाहिए, मतलब रेड में आवाज नहीं आया, मतलब ये मेरा कॉमन नहीं है। कॉमन क्या करेगा, कॉमन जो रहेगा वो दोनों डाउन में और अप में, दोनों दोनों में हमें बीप का साउंड देगा, लेकिन ये बीप का साउंड नहीं आ रहा है। अब इसे वापस मैं डाउन करूंगा, डाउन करने के बाद मैं अब ग्रीन वाले को, ग्रीन वाला कॉमन अज्यूम करता हूं और इसको रेड पकड़ता हूं, रेड में आवाज नहीं आया, ब्लैक, ब्लैक में मेरी अब देख रहे हैं ब्लैक में आवाज आ रहा है। राइट, अब इसको मैं अप करता हूं वापस, इस तरीके से अप करके पकड़ लिया। अप करने के बाद ब्लैक में आवाज नहीं आया और रेड में आवाज आया, मतलब मेरा जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला मेरा कॉमन है और मेरा ये जो है ये मेरा नॉर्मली ओपन है। ऐसे ऐसे करता हूं, ये मेरा इस तरीके से देखते हैं, ये मेरा नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज है, ये मेरा नॉर्मली ओपन है, बराबर। और आप इसका मैनुअल देखेंगे ना, इसमें एक पेज भी आता है कि जिसमें लिखा रहता है कि कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा वायर ग्राउंड है, कौन सा वायर और कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा वायर ओपन है, कौन सा वायर नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता दिया, इसमें से ग्रीन वाला मेरा कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। ओके, अब हम लोग कैसे करते हैं, अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये वेट है, वेट, ये वेट का काम क्या होता है, मतलब ये वेट होता है, वेट का काम ये होता है कि जब ये हम लोग इसको पानी में डालेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे एक जगह कहीं पे, जैसे मैंने ये समझिए, मैंने यहाँ पे इसको आपको छोटा करके दिखाता हूँ तो आपको कैमरे में दिखेगा, जैसे समझिए मैंने यहाँ पे ये वेट सेट कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये देखिए, अब जैसे जैसे मेरा पानी भरेगा, पानी भरते भरते टैंक में ऐसे आएगा और ये ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट हो जाने के बाद क्या होगा, आपका मोटर है या आपका सेंसर जो भी आप करेंगे वो आपका ऑटोमेटिक उस तरीके से आगे सिग्नल देगा क्या करना है। और अब जैसे जैसे पानी खाली होगा या लेवल खाली होगा तो ये ऐसे हो जाएगा और कनेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है कि ये आपको पानी में सपोर्ट करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक गांठ मार दीजिए, यहाँ पे एक गांठ मार के रखिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये और नीचे नीचे नहीं आएगा और आपका लेवल सेट करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इंस्टॉलेशन इसका कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम लोग पानी की टाकी की तरफ और देखते हैं कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पानी की टाकी में आ गया हूँ। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने गांठ मार के रखा है नीचे। ठीक है, यहाँ पे गांठ मारा है, गांठ इसलिए मारा हुआ है क्योंकि और नीचे खसकते ये ओवरफ्लो तक नहीं जाएगा और इसका जो हम लोगों ने सेट किया है वो बराबर रहेगा। अब देखिए जैसे ही मैं क्या होता है, अब देखिए जैसे ही ये पानी में जाता है, ठीक है, देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये पानी में गया। ठीक है, पानी में जाने के बाद अब क्या है कि मोटर स्टार्ट है, अब मोटर का आवाज़ सुन रहे होंगे,
मोटर स्टार्ट है और जैसे जैसे पानी भरेगा और भरते भरते जैसे जैसे पानी भरेगा भरते भरते क्या होगा, देखिए ये फ्लूट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है राइट। अब धीरे धीरे ऊपर आते आते क्या होगा, और ये इसका क्या ये वेट है, ये वेट क्या कर रहा है उसको सपोर्ट दे रहा है कि ये और मतलब यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नीचे खसक जाएगा तो ये जल्दी से ऑफ हो जाएगा, मोटर को सिग्नल दे देगा ऑफ होने का और मोटर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पानी भरते भरते क्या होगा, मैं आपको मैनुअली करके हाथ से दिखाता हूँ। अब जैसे समझिए ये पानी भर रहा है, पानी भरते भरते ये ऐसे ऑफ होगा और ये इस तरीके से ऑफ हो जाएगा ठीक है। ऑफ होने के बाद देखिए मोटर का आवाज़ पानी का आवाज़ बंद हो गया, मतलब मोटर हमारी ऑफ हो गई। ये मेरा कंट्रोलर है जो वाटर लेवल कंट्रोल, उसको बता रहा है कि ऊपर की टाकी भर गई है, मतलब ये इस तरीके से सिग्नल दिया कि भर गई है और मोटर ऑफ कर दिया। और इसको मैं जब इसको नीचे करूंगा, जैसे पानी खाली होगा तो धीरे 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 नीचे होगा और नीचे होते 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 समझिए ये इस तरीके से ये नीचे हो, अभी थोड़ी देर में मोटर चालू हो जाएगी क्योंकि वो पानी खाली हो गया, मतलब सेंसर जो है वो ये सेंस कर रहा है। जैसे मैंने इसको उठा दिया ठीक है, देखिए उठाया तो इसका मतलब टाकी खाली हो गई, पानी इसमें टाकी में नहीं है और वो मोटर को ऑन कर देगा। ठीक है देख रहे, ओके देखिए आपको पानी का आपको ये पानी का आवाज आ रहा है, ये बंद हो गया ठीक है। अब मैं इसको पानी में छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ने के बाद अभी ये अप हो जाएगा थोड़ी देर में, एक मोटर ऑन होने के लिए थोड़ी वक्त लेती है, ये मोटर फिर से स्टार्ट हो गया। अब देखते रहिए ये कैसे फुल पोजीशन में कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अब देखते रहिए थोड़ी देर। अभी पानी भर रहा है, मोटर ऑन है और धीरे धीरे जो हमारा फ्लोट है वो धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा है, देखते रहिए आप। जैसे ही फ्लोट पूरा अप हो जाएगा और स्विच प्रेस हो जाएगा उसका, और वो कंट्रोलर को बता देगा कि मोटर को ऑफ करना है। देखिए आप देख रहे हैं जैसा कि धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, फ्लोट भी बढ़ते जा रहा है, और ये जो सेट किया हुआ है ये टाकी के ओवरफ्लो के थोड़ा सा नीचे किया हुआ है कि जैसे ही पानी वहां तक जाएगा, मतलब ओवरफ्लो तक जाएगा, तब तक वो मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। आप देख रहे हैं, देखते रहिए ऐसे थोड़ी देर में वो क्या होगा, मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको कंट्रोलर भी बताऊंगा, कंट्रोलर का फोटो भी दिखाऊंगा कि कंट्रोलर कैसा है, उसका कनेक्शन कैसा है। तो कनेक्शन मीन्स उसका आपको कंट्रोलर का फोटो दे दूंगा, फोटो इसमें डालूंगा वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा कंट्रोलर यूज़ किया है। वो कंट्रोलर मैं खुद ही बनाता हूँ, और यहाँ पे एक साइट है, एक जगह एक बिल्डिंग में इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। खाली सेंसर का कलर चेंज है, फ्लोट स्विच का कलर चेंज है, लेकिन उसका काम वही है जो काम मैं आपको ब्लू वाले सेंसर में दिखाया है, वो भी वही सेम है। ये मेरा एक दूसरा है ऑरेंज कलर का, इसका भी काम सेम है। अब देखते रहिए, अब थोड़े दिन में मोटर ऑफ हो जाएगी, पानी भरते जा रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है पानी का, और ये आप वेट देख रहे हैं, ये वेट देखिए, वेट का काम वही है। जैसे ही वेट पानी में डूब भी जाएगा तो फ्लोट एकदम ऊपर हो जाएगा, लेकिन वेट होने की वजह से क्या होगा कि ये हिलेगा नहीं वहाँ से, नहीं तो वेट नहीं रहता तो क्या होता है कि ये कभी अप होता ही नहीं, मतलब अप पोजीशन में नहीं आता और मोटर ऑफ नहीं होती। लेकिन वेट की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर स्टेबल रहेगा, वहाँ पर वो सेंसर को पकड़ के रखा है और सेंसर को ऑफ करेगा। अब कुछ एक मिनट हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि अब फ्लोट भी जो है, फ्लोट का लेवल, ये फ्लोट तो फ्लोट का लेवल भी बढ़ रहा है, और जो मेरा ये है वेट है, वो वेट भी पानी में अब धीरे धीरे डूब रहा है। अब थोड़े देर के बाद, थोड़ा कुछ 30 सेकंड या एक मिनट के बाद क्या होगा कि ये जो फ्लोट है पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। अभी तक मोटर चल रही है, अब देख रहे पानी में वाइब्रेशन है, मोटर चल रही है, देखते रहिए। अब पानी का लेवल देखिए, जो वेट है वेट पे देखिए, वेट का लेवल, वेट भी डूब रहा है अब, और धीरे धीरे मेरा फ्लोट जो है वो फ्लोट भी अब पोजीशन में आने वाला है। अब देखिए अभी भी मोटर चालू ही है, वेट भी मेरा पानी में डूबने वाला है, और मेरा अब जो स्विच है, जो कंट्रोल स्विच भी मेरा
अब की पोजीशन में आ चुका है। मैं आपको थोड़ा और नीचे दिखाता हूँ, देखिए इधर है, दोनों में आप लेवल देख सकते हैं पानी का लेवल। अब जैसे ही थोड़ा सा लेवल और ऊपर जाएगा तो स्विच ये ऑफ हो जाएगा। मैंने ये जो कंट्रोलर, ये जो स्विच है, मैंने कंट्रोलर को लगाया हुआ है, और बहुत सारा वीडियो मैंने देखा जिसमें लोग इसको डायरेक्ट स्टार्टर से लगा देते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर समझिए कि अगर मेरा ये कंट्रोलर, मेरा जो ये जो है ये स्विच, इसके अंदर स्विच होता है, और इसमें अगर पानी गया और शॉर्ट हो गया तो पूरे पानी में करंट उतर सकता है 230 वोल्ट। इसलिए कभी भी इसको 230 वोल्ट के क्रॉस में मत लगाइए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। फिर क्या होगा कि पूरे आपके घर में अगर लोखंड की पाइप रहेगी तो पूरे घर में आपके करंट आ सकता है। इसे हमेशा इसको कंट्रोलर के साथ ही यूज़ करें, वाटर लेवल जो कंट्रोलर होता है कंट्रोलर के साथ ही यूज़ करें, क्योंकि कंट्रोलर जो है वो डीसी वोल्टेज पे चलता है, डीसी 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट पे चलता है, जो आपके लिए एकदम सेफ होता है, इससे आपको कोई खतरा नहीं होता है। कि मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा कि डायरेक्ट स्टार्टर में लगा के मोटर ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। और मेरी पर्सनल सुझाव यही है, मेरा ये मानना है कि उसे उस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप ये सेंसर देख रहे हैं, ये सेंसर कुछ दिन में ख़राब हो जाता है, उसमें पानी घुस जाता है, मतलब कुछ 6 महीने 7 महीने में। और पानी घुसने पे क्या होगा कि वो 230 वोल्ट रहेगा तो पूरे पानी में, पूरे टाकी में आपके करंट उतर जाएगा, और टाकी से होते हुए वो आपके घर में भी आ जाएगा। अगर जैसे कोई नल चालू करेगा तो वहाँ पे भी उसे करंट लग सकता है। इसलिए ये आपका, मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप उसको हमेशा कंट्रोलर के साथ यूज़ करें, जो काफ़ी सेफ रहेगा। और कोई भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी आप वीडियो बनाते हैं, तो उस हिसाब से बनाइए कि जो लोगों के लिए सेफ हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने आपको पहले ही एडवाइस किया, इसको डायरेक्ट स्टार्टर के साथ यूज़ ना करें, इसे हमेशा कंट्रोलर के साथ यूज़ करें। कंट्रोलर डीसी वोल्टेज पे चलता है 10 वोल्ट 12 वोल्ट, लेकिन जो हमारा स्टार्टर है वो 230 वोल्ट पे चलता है। आप देख लेंगे, आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप थोड़ी देर तक और बने रहिए मेरे साथ, और ये अभी थोड़ी देर में ही अप हो जाएगा। आप अभी देख सकते हैं कि मेरा जो वेट है ये ऑलमोस्ट पानी में डूबने वाला है, और मेरा जो ये स्विच है ये भी ऑलमोस्ट अप पोजीशन में आने वाला है, हाफ अप हो गया है। और इसका इंटरनल डायग्राम भी मैं आपको इसमें दूंगा। एक लोखंड का बॉल है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो प्रेस हो जाएगा तो ये कंट्रोलर को सिग्नल दे देगा मोटर बंद करने का, और मोटर ये बंद हो जाएगी। देखते रहिए आप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेट यहाँ पे क्यों लगाया गया। वेट क्या होगा, वेट अपना एक जगह स्टेबल रहेगा, और जो स्विच है वो अप होना चालू हो जाएगा। पानी भर रहा है और स्विच अप होना चालू हो गया है। देखिए ये पोजीशन पे आके अब मेरा मोटर ऑफ हो चुका है। आपको मोटर की आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब ये पोजीशन में मेरा मोटर ऑफ हो गया, मतलब अब ओवरफ्लो तक पहुंच गया है। अब थोड़ा पानी अगर और भरेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इससे पहले ही मेरे सेंसर ने कंट्रोलर को मैसेज कर दिया कि मोटर ऑफ करने के लिए, और मोटर ऑफ हो चुका है।